हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल विथ जोजो। ये क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हम लोग रोज़ अपनी डेली लाइफ में देखा करते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे दूध, दूध को गर्मी में डाल दिया जाता है, गर्मी में ऐसे छोड़ दिया जाता है तो फट जाता है, और लोहे को हवा में रख दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद उसमें जंग लगने लगती है, और कभी फलों का सड़ना और सब्जी का पकना और पेट में डाइजेशन होना फूड का और सांस लेना, ये सब केमिकल रिएक्शन। और आप लोग केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन एंड उसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको जानने के लिए पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। पहला एक्टिविटी 1, इसमें क्या है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन की रॉड को सैंड पेपर से रब करते हैं और उसके बाद उसको जलाया जाता है, तब एक वाइट कलर की डेजलिंग लाइन निकलती है और इस पाउडर बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैग्नीशियम का पाउडर है। इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है इससे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों रब करा जाता है। तो उसको रब इसलिए किया जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन एयर में ऐसे ही होती है, तब उसकी जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। उसको हटाने के लिए सैंड पेपर से उसको रब किया जाता है। इसकी रिएक्शन, इसकी केमिकल इक्वेशन बता देते हैं। Mg+O2 गिव्स अब MgO। ये देखिए, ये है एक केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, चेंज इन स्टेट होता है। जो मैग्नीशियम रिबन होती है वो सॉलिड स्टेट में एक होती है, और उसके बाद जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है एयर के अंदर, तब वो पाउडर स्टेट में हो जाती है। एक दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो लेड नाइट्रेट होता है उसको टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, और फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को ऐड करा जाता है। और जब पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को ऐड करा जाता है, तब उसमें एक येलो कलर की PPT बनती है जिसको पोटेशियम आयोडाइड कहा जाता है। ये चेंज इन कलर का एक केमिकल रिएक्शन है। ये आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, चार दिए गए हैं चेंजेस केमिकल रिएक्शन होने वाले। तो पहला मैं आपको बता चुका हूँ चेंज इन स्टेट वही MG वाला, और चेंज इन कलर ये लेड पोटेशियम आयोडाइड वाला। और फिर बाद में तीसरी एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसका जो डायग्राम दिया गया है, तो इसमें देखिए, जब जिंक ग्रैनुअल होते हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये जिंक ग्रैनुअल होते हैं, इनको जब कोनिकल फ्लक्स में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें डाल के रखा जाता है, तब कुछ देर बाद उसमें से छोटे छोटे बबल निकल आते हैं, और उस बबल में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, जैसे H2 दिया गया है। और इससे आपको तीसरा वाला देख सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इस रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है, और जब हम ये कोनिकल फ्लास्क को थोड़ी बार टच करेंगे तो हम लोगों को टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज दिखाई देगा। यही होता है चेंज इन टेम्परेचर, इसको यही लिख सकते हैं आप। इसकी केमिकल इक्वेशन होती है क्या, PbNO3 का, ये इसकी एक्टिविटी 1.2 की बता रहा हूँ। इसकी रिएक्शन होती है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2KI इट गिव्स अस PbI2 प्लस 2KNO3। और एक्टिविटी 3.3 की केमिकल इक्वेशन है, Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स अप Zn SO4 प्लस H2। चलिए फिर।